हमारे सिलेंडर उठा के ले जाकर रख ले ले बड़ी डाल दिया तारी की हम लड़का का दूध गर्मा के पी आए। उनका सिलेंडर आप उठा के लेके रख लिए। मैम उनके बच्चे का दूध गर्म करना है। मैम आप एक महिला हैं, एक माँ भी होंगी। मैम उसको दूध गर्म करना है, उसके पास सिलेंडर नहीं है। अब ये तो नहीं होगा कि उनके पास इतना पैसा होगा, चप्पल नहीं है मैम बच्चे के पैर में। देखिए आप लोग चले जाइए, जो भी मर्जी। सिलेंडर तो दे दीजिए, आप जाइए प्लीज। कहाँ लगाती हैं? यहीं पर हम लगाए थे। हम अभी हमारे छोटा छोटा बच्चे हैं सब। पूछिए इनसे कितनी छोटे। अभी दूध बिना चलिए, हमारे घर चलिए आप। आज देखिए मेरा बच्चा कैसे रो रहा है। दो दो मेरा सिलेंडर उठा ली। मैं कितना चिरौरी की थी कि नहीं थी? नहीं, अभी यहीं पर पड़े, बोले 4 बजे के बाद ले गई। आज ही ले गई। नजब गुंडागर्दी है। मतलब ऐसा तो नहीं होना। चाहती हूँ अपना रोज रोटी का पराठा सब्जी बनावे नहीं, अब बेचे नहीं। यही जब बेचे तो नहीं उठा घरे में, घरे लेके चल गए। नहीं ना लगा दिया हमारे लड़का। मेरा रो तरस की रोते नहीं गए सुन। हम क्या करे और सुन दीदी का है ऐसे यार। दूध का तो हमारे लड़का दूध रोते में गर्म करके पिया है। ये बच्चा है, ये बच्चा छोटे छोटे दू को बड़ा सुन हमें घरे बड़ा सुन साल साल भर के चल के देखिए हमारे घर का स्त्री कैसे। अरे दीदी हम क्या करेंगे, हम पत्रकारों के साथ भी बड़ी मजबूरी होती है। हम लोगों की भावनाएं तो देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं। पता है क्यों? जिनके पास पैसा है वो कुछ भी करा सकते हैं। मतलब आप ऐसे समझिए, क्यों नहीं किए? गरीब आदमी तो रोड पर सूत जाता है, गाड़ी से कचरा का भी मर जाता ले जा। अरे दीदी रोइए मत दीदी। लेके वो लड़की कहती थी चुप के बेचा देखे नहीं लेके हम दिए सवेरे से लेके बनावे नहीं। हमारे सिलेंडर उठा के ले जाकर रख ले ले बड़ी डाल दिया तारी की हम लड़का के दूध गर्मा के पी आए। मैडम इनको इनका लेके चली गई है, हमारा लेके जाने वाली थी तो हम रोने लगे तो हमारा छोड़ दिए हैं। बोली कल हमारा ले लेंगी, कल आएंगी तो हमारा ले लेंगी। बोली अगर कल मैं यहाँ स्टॉल लगाई तो मेरा सिलेंडर लेके चली जाएंगी। आइए दीदी चलिए तो सिलेंडर ले लेंगे। मतलब ये कोई तरीका थोड़ी बनता है। बोलती है चलिए चलिए चलिए। पता है अभी जब हम लोग गेट पे जाएंगे तो हमें ना सिक्योरिटी गार्ड रोक लेगा, बोलेगा मैडम अलाउ नहीं है। मतलब हम पत्रकार अंदर जाकर सवाल भी नहीं कर सकते और ये लोग रोड पर आकर बदतमीजी कर सकते हैं, किसी का रोजी रोटी छीन सकते हैं। और इन बच्चों की क्या गलती है भाई? पैर में चप्पल नहीं है तो आप ये समझिए कि कितने मजबूर लोग हैं और आकर ठेले से सिलेंडर उठाकर लेकर चली जा रही हैं। मतलब ठीक है आपको खाकी वर्दी मिली है लेकिन इसलिए नहीं मिली है कि आप गुंडई करेंगे आके, इसलिए मिली है कि आप गरीबों की बात सुने और ये समझिए कि जब बड़ी बड़ी दुकानें अवैध कब्जा करती हैं तो किसी के मुंह से चूं तक नहीं निकलता और एक गरीब इंसान के ठेले से सिलेंडर उठाकर लेके जा रही हैं। मैम वो एक औरत है, वो रही उनका सिलेंडर आप उठा के लेके रख लिए। उनसे आपने पूछा कि मैंने क्यों उठाया? मैम उनके बच्चे का दूध गर्म करना है। मैम आप एक महिला हैं, एक माँ भी होंगी। मैम उसको दूध गर्म करना है, उसके पास सिलेंडर नहीं है। अब ये तो नहीं होगा कि उनके पास इतना पैसा होगा, चप्पल नहीं है मैम बच्चे के पैर में। मानवता तो रखिए मैम। ठीक है देखिए आप लोग चले जाइए। मानवता नहीं है ना, आप हमारी ड्यूटी तो समझ नहीं रही हैं। मानवता नहीं हमारे अंदर तभी इतने दिन से ठेला लगा पा रही हैं। पूछ लीजिए किसी दिन हमने मना किया आपको? आप बताइए किसी दिन मैंने, इधर आइए आप भी आइए ना सामने, किसी दिन हमने मना किया? अब तक हम किस दिन मैंने आपको मना किया बताइए यहाँ लगाने से ठेला? मना करे नहीं, ठेलवा तो सब लग। सुबह क्या कहा था कि यहाँ से हटा लीजिए खाली ना? आप बताइए कि सब लोग बताइए नहीं लगा होता है तो हम उतर आपको ही अकेले हटाया मैंने, बताइए ना क्या? और किसी को मैंने कहा कि नहीं आप लगाइए इन्हें हटाएंगे हम खाली? वहाँ पे और जब हम आपको नहीं बोलते हैं तब तो आप किसी से कहने नहीं जाती हैं कि हाँ हम नहीं बोल रहे हैं। नहीं हम अपना सिलेंडर खाते हैं, मतलब क्या रोल चल के घर हमारी स्थिति देख ली। मैं दूध लेकर ना आप लोगों पर अभी आपने मारपीट की थी, मैंने आपके खिलाफ कार्यवाही नहीं करी, मैंने उसी के खिलाफ कार्यवाही करी जबकि दोनों के लिए होनी चाहिए थी लेकिन वो नहीं दिखता है। चलिए जो भी मर्जी, सिलेंडर तो दे दीजिए। सिलेंडर मैंने ये नहीं कहा कि मैं सिलेंडर वापस नहीं करूंगी, ठीक है? आप भी दोनों साइड सुन लिया करिए, चले जाइए। मैम सुनने ही तो आए, आप नहीं बोल रही हैं। मैम एक लड़की है वहाँ पे, मेरी बात तो सुन लीजिए। मैम मुझे पता है आप बिजी हैं,
मुझे पता है मैम, आप मैम सुनिए तो मैम बात तो सुन तो मैम बात तो सुन लीजिए। एक लड़की है वहाँ पे, रितु नाम बताया ना उसने, रितु, वो कह रही है कि आपने खुद ही बोला था उनको वहाँ पे स्टॉल लगाने के लिए, और आज उन्होंने लगाया तो आप खुद ही उनको भगा रही हैं। मैंने भगाया है उनसे, मैंने कहा है कि वहाँ टीन शेड के साइड लगा लीजिए। यहाँ मैं देखिए, सबसे बड़ी बात है ये हॉस्पिटल के सामने, या हॉस्पिटल के सामने गंदगी मचाते हैं। मैंने 5 खंभे छोड़ के 6 खंभे छोड़ के वो जो ग्रीन स्टार वो है शेड है, उस ग्रीन शेड से लगाने के लिए कहा है। ये रोज रोज यहाँ आगे आ जाते हैं। क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है गाड़ियाँ चोरी होती हैं, स्टैंड नहीं है, मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं यहाँ से पब्लिक की भीड़ हटाऊं? उसके बाद आप लोगों को ये लगता है कि नहीं हम ज्यादा वो कर रहे हैं। मैम उनके स्टॉल के आगे 6 स्टॉल और लगी हुई थी, तो क्या मैंने हटा रही थी कि आप सिलेंडर उठा के उनका लेके आ रहे हैं? हाँ, उठाया उनका, कह रही थी उनका तो ले आई मैम, उनका क्यों लेके आए हैं वो आप लोग देख, सीधी बात है कि पुलिस की गलती होती है। बताइए तो सही क्यों लेके आए? हम बता नहीं रहे, आप जाइए प्लीज जाइए, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप जाइए यहाँ से, और आप जाइए अभी। सिलेंडर नहीं दे रही हैं आप? ये देखिए, सिलेंडर दे रही हैं कि नहीं मैम? वो मैम कंधे पर 2 स्टार ली हुई हैं और उनका नाम मंजू है। ठीक है, गलतियां हुई होंगी, लेकिन वो एक माँ यहाँ पर व्यवसायी नहीं आई थी, यहाँ पर एक माँ आई थी अपने छोटे से बच्चे को लेकर जिसके पैर में चप्पल नहीं है। ये आई थी बोलने कि मैम सिलेंडर दे दीजिए, मैम वहाँ पर गरमाई पड़ी हुई हैं। ठीक है, पढ़ी लिख के बनी होंगी, खाकी वर्दी पढ़ी लिख के मिली होगी, एक पिता की बच्ची ही रही होंगी, पता नहीं क्यों ही नाराज हो गई। हम तो बस पूछे कि मैम सिलेंडर लेके आई हैं, फिर नाराज हो गई। पता है खाकी वर्दी बड़ी जिम्मेदारी की चीज़ होती है, जितना जितना आपको जिम्मेदारी मिलती है उतने में शालीनता भी तो रखिए, मोहब्बत भी तो रखिए, इंसानों से गरीबों से भी रखिए भाई। मतलब ये ज़रूरी थोड़ी, मैं आपको बताऊं गोरखपुर में ही ऐसे कई बड़े बड़े शोरूम हैं जो अवैध कब्जा करके रखे हुए हैं, वहाँ पर इनकी चूँ तक नहीं निकलती है कि ये बोल दे, वहाँ खड़ी हुई हैं। मैं मतलब हमसे भाग रही हैं, मतलब हम ही लोग हैं जो इनके जवाबदेही बनते हैं। मतलब हम सवाल करेंगे तो मैम का जवाब देने की जिम्मेदारी है। अब मैम जो है बहुत व्यस्त है, वहाँ पर फ़ोन चला रही है, मैम बहुत व्यस्त है, नहीं मिलेगा दीदी तो बताइएगा हमको, डरिएगा नहीं भाई। ये ना ये लोग जो जिनको तनख्वाह मिलती है, मैं आपको बताऊँ ये जो चाय बेचती हैं उसका भी टैक्स मिलता है, उसी से इनका घर चलता है, इनको कहीं और से पैसा नहीं मिलता है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहती हूँ, ये जो तमाम आम लोग हैं उनसे एक बात कहना है, हम सब ने पैसा दिया है तब इनके घर की रोटी चलती है, इन गरीबों से भी ठीक तरीके से बर्ताव ना हो ये गलत है। कुछ नियम तोड़ते होंगे, बहुत लोग नियम तोड़ते हैं, समझाना चाहिए। मतलब सिलेंडर उठा लाएंगी अगले दिन ठेला उठा लाएंगी, ये कोई तरीका नहीं बनता, बस यही बात कहनी है। नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच, और मैम जो है एकदम अजीबे रुकी हुई है। मतलब हमने 1-2 सवाल क्या कर दिए कि कंधे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, 2 चमकता स्टार लेने के बाद भी ये लोग 2 सवाल नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं। इस बच्चे के चेहरे से ही वीडियो ख़त्म करूँगी, दिखाइए इसकी क्या गलती रही होगी, पैर में चप्पल नहीं है। उनका भी तो सिलेंडर उठाया है। किनका? वही औरत जो है उनका भी सिलेंडर ले आई। उनका भी सिलेंडर, उनका सुबह ही के लेकर रखी है। अपना नंबर दे दिए, कहीं आपके साथ बदतमीजी ना करें। हाँ, नंबर चली आई है साथ में, अब तो और ना दिया, हो सकता है डंडा भी मार दें। नंबर दीजिएगा अपना, पता मैं बता रही हूँ आपको, ये मेरे साथ चली आई ना, इसलिए इनसे दुश्मनी निकाली जाए। अब देवो कर रही, हम ना दी नहीं देंगे तो बताइएगा ना, तो कैसे इस टाइम हम खाना खिलाएंगे, कैसे दूध पिलाएंगे, हमारे पास पैसा भी नहीं है। हम ले जाती तो भाड़ा आती, कमाई हूँ 200-300 रुपया कमाई हूँ, तो ले जाती तो भाड़ा कर अपना कम, हमारे बच्चे रो रहे हैं। भाड़े के घर में मैं लकड़ी कैसे जला कर उसको करूँगा, और उसमें जलाने नहीं देंगे, दूध भी ना, लड़के सब रो रहे। चलिए हमारे घर चलिए, पहले देख लीजिए। अरे